Hello and welcome back to Sessions on Amadeus with Travel Academy. My name is Gaurav Gira. आज हम लोग बात करेंगे अबाउट एक ऐसा टॉपिक जो आई थिंक सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक यही था अभी तक का, कि हमें ना रीइश्यूएंस सीखना है. मतलब इतने सारे लोगों ने ईमेल्स, मैसेजेस, व्हाट्सएप एंड देन इन द कमेंट बॉक्स इटसेल्फ बहुत सारे लोगों ने ये पूछा कि रीइश्यूएंस जो है वो करना है, वो सीखना है, क्योंकि हमें अपनी कंपनी में करना है या इंटरव्यूज पास करने के लिए उसको सीखना ज़रूरी है. सो आई एम सॉरी, हम लोग इसको पहले नहीं बना पाए क्योंकि जो Amadeus हम लोग यूज़ कर रहे थे उस आईडी पे हम लोग इशू नहीं कर पा रहे थे टिकट्स, और इसलिए रीइशू नहीं हो रहा था. नाउ एज आई कुड मैनेज समहाउ टू यू नो इशू टिकट्स, तो अभी हम फाइनली जो है इस टॉपिक को करते हैं. एंड सॉरी फॉर द डिले, हाउएवर आई होप यू नो द वेट वॉज वर्थ. सो अभी फाइनली हम लोग जो है रीइशुएंस इस वीडियो के अंदर करेंगे. लास्ट वीडियो में अगर आपको याद है, हम लोगों ने किस तरीके से ऑटोमेटिक जो टिकट चेंजर होता है उस पे काम करना है वो हमने किया था, कि ATC कैसे चलता है. इस वीडियो के अंदर भी हम वो करेंगे कि ATC से ही शुरू होगा और फिर उसको हम रीइशू कर देंगे, क्योंकि वो पूरा प्रोसेस है. सबसे पहले तो आप ये समझिए कि देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एक्सचेंज एंड इशुएंस. रीइशुएंस रहता, ये दोनों डिफरेंस अलग अलग चीज़ें हैं. रीइशुएंस और एक्सचेंज अलग अलग चीज़ें. क्या होती है, देखो, एक्सचेंज और रीइशुएंस को समझने के लिए आप ये समझो कि जब हम लोग ने प्राइजिंग बनाई थी, जब प्राइजिंग करी थी शुरू में PNR बनाने के बाद, तो प्राइजिंग करना अलग होता था और उसकी टिकट इशू करना अलग होता था. कई लोग एक्सचेंज और रीइशुएंस को एक ही मानते हैं, वो एक नहीं होता, वो अलग अलग चीज़ें हैं. प्राइजिंग करना मतलब ये होता है कि जैसे आपने प्राइस किया, सिर्फ PNR को प्राइस कर लिया, कोई पैसा नहीं दिया एयरलाइंस को अभी तक. टिकट इशू करने का मतलब होता था कि आपने एक्चुअली में आप पैसा जो है एयरलाइन को दे दिया और एयरलाइन ने उसके बदले में आपको टिकट दे दी है. सेम चीज़ अगर आप देखोगे तो एक्सचेंज और रीइशुएंस पे भी होती है, कि एक्सचेंज का मतलब होता है कि आपने टिकट को चेंज कर दिया, पुरानी डेट्स को चेंज करके नई डेट्स में डाल दिया, और रीइश्यूएंस का मतलब होता है कि अब आपने उसके ऊपर एक टिकट इशू कर दी दोबारा से. रीइश्यूएंस क्यों, क्योंकि दोबारा से टिकट इशू करती है. और आज हम लोग रीइश्यूएंस सीखेंगे स्टार्टिंग विद एक्सचेंज. अच्छा, एक्सचेंज हमने जैसे अब किया था, एक मैनुअल होता है जो हम पहले कर चुके हैं, और उसके बाद हमने ऑटोमेटिक एक्सचेंजेस किया था इन द प्रीवियस वीडियोज. अभी हम लोग क्या करेंगे, रीइश्यूएंस पे आते हैं. अब देखो, इसमें कमांड कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है. जब आप इंटरव्यू में बैठे होगे, कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, या फिर आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो है इंटरव्यू के अंदर जाते हैं और उनको लैपटॉप दे दिया जाता है कि ये पकड़ो और हमें करके दिखाओ. सो दोनों केसेस में अगर आप ये वीडियो देखते हो पूरी कंप्लीट, तो यू विल बी एबल टू यू नो डू इट एनीवेयर. आसानी से आप कर पाओगे, अपने अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तब भी, और अगर इंटरव्यू में जा रहे हो तब भी इजीली कर पाओगे. पहली बार आ रहे हो तो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, यू नो यू कैन लाइक दिस वीडियो. और अपनी ट्रैवल नॉलेज इंप्रूव करना चाहते हो, सो वी हैव अ टेलीग्राम चैनल दैट यू कैन ज्वाइन. देर आर मोर देन 900 पीपल इन दैट चैनल, एंड आप उसको जब ज्वाइन करते हो तो आपके पास रोज़ एक क्वेश्चन आता है. अगर आप पहले से ज्वाइन कर चुके हो तो आई एम श्योर कि आपकी नॉलेज जो है पहले से बेटर हुई होगी. और यू नो व्हेन यू गो आउट फॉर इंटरव्यूज इट विल बी वेरी नाइस, यू नो इट विल वेरी इजी फॉर यू टू आंसर दोज क्वेश्चन. और अगर आप अभी तक नहीं आए हो और अभी ज्वाइन करने वाले हो, तो आपके पास एक तरीके से करीब यू नो मोर देन 150 क्वेश्चंस है जिनको आप आंसर कर सकते हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एंड यू कैन चेक योर ट्रैवल नॉलेज कि आप कितना अच्छा जो है जानते हो ट्रैवल इंडस्ट्री को. सो दैट्स वट वी हैव. नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. ये जो नंबर आपके सामने स्क्रीन पे है, अगर आप ऑनलाइन ट्रैवल कोर्स करना चाहते हो, सो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू. नाउ सबसे पहले तो अब यहाँ पर हुआ क्या, कि आपके पास पैसेंजर का कॉल आया. पैसेंजर ने बोला कि मेरी पुरानी फ्लाइट जो है वो 12 नवंबर और 20 नवंबर. आप देखोगे अगर, तो यहाँ पर टिकट इशूड है, RTTN करोगे, आपके सामने टिकट नंबर है TWD/L, लाइन नंबर जो है वो 7 है. देखो, अगर आप पहली बार इसमें आ रहे हो, इस वीडियो के अंदर सीधा आ रहे हो, तो यू नो आई वुड एडवाइज यू कि इससे पहली वाली जो वीडियो है उसके अंदर हमने FXO जो कमांड है, जो ATC है, ऑटोमेटिक टिकट चेंजर, उसको हमने काफ़ी डिटेल में किया, तो वो आप पहले देख लेना, क्योंकि इसके अंदर जो चेंजिंग एक्सचेंजिंग वाला जो पार्ट है वो बहुत फास्ट होगा. हम लोग मेन फोकस रीइश्यूएंस पे करने वाले हैं. सो अभी फिलहाल आप देखोगे, जैसे ही हमने TWD/L और लाइन नंबर 7 डाला, हमारे सामने टिकट इमेज यहाँ खुल गया, और यहाँ पर वो दिखा रहा है स्टेटस ओपन है, सब कुछ नॉर्मल है. ओपन का मतलब क्या है, कि अभी ये फ्लाइट फ्लोन नहीं हुआ है, दोनों ओपन है. टोटल प्राइस 84,355 है,
और इसके अंदर हमारे पास, एंड वी विल ऑल्सो डू अ वीडियो ऑन हाउ टू रीड द फेयर लैडर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कई बार इंटरव्यूज में भी पूछी जाती है और डे टू डे ऑपरेशंस में भी ये इंपॉर्टेंट होता है. नाउ सबसे पहले हम उठाते हैं नई फ्लाइट. नई फ्लाइट जो है 12 नवंबर की पहले थी. अभी हम उठाते हैं नई फ्लाइट की डे, लेट्स से 15 नवंबर. पैसेंजर सेज किया मुझे नया जो ट्रैवल करना है वो 15 नवंबर को करना है. सो 15 नवंबर दिल्ली से लंदन हीथ्रो विद ब्रिटिश एयरवेज, फिल्टर हमने इसका लगाया. पुरानी फ्लाइट जो थी हमारी क्लास किलो में थी, के क्लास में, किलो मतलब किलोग्राम में नहीं थी, किलो क्लास में थी, दिल्ली से लंदन हीथ्रो. सो हमारे पास फ्लाइट थी EBA 142. लेट्स से क्या हमारे पास किलो क्लास है, अभी है अवेलेबल, तो हम सेम क्लास प्रेफर करते हैं उठानी, SS1 किलो 1. एक पैसेंजर है इसीलिए. और रिटर्न लेट्स से वो कहते हैं कि उसको चाहिए 25 नवंबर की फ्लाइट इंस्टेड ऑफ 20th नवंबर. सो आप यहाँ पर सिंपली AN 25th नवंबर ये जाएगी दिल्ली, लंदन से दिल्ली ब्रिटिश एयरवेज पे. क्लास अगर आप देखेंगे तो माइक है, हम लोग माइक क्लास ही उठाने की कोशिश करते हैं. पुरानी फ्लाइट थी 143, हम कोई भी ले सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आप अगर नॉन स्टॉप फ्लाइट थी तो नॉन स्टॉप ही उठाएं. तो हम नॉन स्टॉप ही उठाते हैं ये 143, इसमें माइक अवेलेबल है तो माइक ले लेते हैं. तो SS1 यहाँ पर जाते हैं, SS1 माइक 1 एंटर, हमारे पास फ्लाइट. अब देखो इसमें कितनी कन्फ्यूजन होती है अगर आप ये जो है फ्लाइट्स उठाते हो, तो जनरली हम लोग भूल जाते हैं कि नई डेट्स कौन सी है, पुरानी कौन सी थी. तो अगर आप ऐसी भूल गए, कई बार ऐसा होता है बिकॉज़ व्हेन यू आर इन बिटवीन अ कॉल, आप एक से बात कर रहे हो, पैसेंजर से स्टक हो कि क्या निकालना है क्या करना है, तो आप 4-5 चीज़ें एक साथ कर रहे हो. तो उस केस के अंदर आपको ये ध्यान रखना है शॉर्टकट के लिए कि जहाँ पर HK है ये आपकी पुरानी फ्लाइट्स है, और जहाँ DK है ये आपकी नई फ्लाइट्स है जो आपने अभी अभी उठाई है. ऐसा जनरली होता है जब भी आप नई फ्लाइट्स उठाते हो, बिफोर यू सेव इट, जब तक आप उसको सेव नहीं करते हो तो वो DK में रहती है ज़्यादातर. और दूसरी चीज़ ये कि आप देख सकते हो जो पुरानी फ्लाइट्स है उसके लास्ट में BA और /PNR नंबर लिखा हुआ है एयरलाइंस का, तो इससे भी पहचान सकते हो कि जो है ये पुराने वाली फ्लाइट्स है जो ऑलरेडी उसके अंदर थी. तो HK मतलब जो एग्जिस्टिंग फ्लाइट्स है, दिस वन, एंड DK मतलब जो एग्जिस्टिंग फ्लाइट्स नहीं है, वो फ्लाइट्स जो आपने अभी अभी उठाई हैं रिसेंटली, जो नई फ्लाइट्स पैसेंजर बोल रहा है. ठीक है, अगर भूल जाओ, अगर मेमोरी बहुत अच्छी है और बिल्कुल नहीं भूलते तो बहुत अच्छी बात है. नाउ अब यहाँ पे हम लोगों ने ये नई फ्लाइट्स उठाई. अच्छा देखो, अगर ये मैनुअल चेंजेस होता तो उस केस के अंदर आपको पता है कि हम लोग पहले FQD रन करते, मतलब पहले हम फेयर रूल्स को पढ़ते, फेयर रूल्स में देखते कि चेंजेस अलाउड है या नहीं है. अगर अलाउड होता तो ही हम लोग जो है नई फ्लाइट्स उठाते, अदरवाइज हम लोग नई फ्लाइट्स नहीं उठाते. हमको पता है अगर चेंजेस अलाउड ही नहीं है तो मना कर देंगे पैसेंजर को सीधा कि सर चेंजेस आर नॉट परमिटेड. बट क्योंकि हम ऑटोमेटिक चेंजेस कर रहे हैं तो हमें फेयर रूल्स चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है. हम लोगों ने सीधा नई फ्लाइट्स उठाई 15 नवंबर और 25 नवंबर की, क्योंकि यहाँ DK लिखा हुआ है, तो नाउ आई एम श्योर कि हमने यही उठाई है, और फिर हम इसको प्राइस कर देंगे. तो पुरानी को जो भी हमारी पुरानी फ्लाइट का प्राइस था और जो नए फ्लाइट का प्राइस है उसके बीच का जो डिफरेंस होगा, अगर वो बढ़ रहा है, मतलब पुरानी फ्लाइट अगर 500 रुपये की थी, नई वाली जो है वो 800 रुपये की है, तो जो डिफरेंस है $300, वो हम पैसेंजर से लेते हैं कि आपकी नई फ्लाइट ज़्यादा महंगी आ रही है. इस केस में ऐसा होने के चांसेस कम है, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है पहले भी किलो क्लास थी, अभी भी किलो क्लास है, पहले भी माइक क्लास थी, अभी भी माइक क्लास है. तो जनरली ऐसे केस के अंदर हमारा पुराना और नया फेयर बराबर होता है, लेकिन फिर भी हम इसको चेक करेंगे. अब आप चाहो तो पुरानी फ्लाइट्स को डिलीट भी कर सकते हो, क्योंकि हमें एनी हाउ इसको चेंज करना ही है. अदरवाइज़ ये एडवाइजेबल होता है कि पुरानी फ्लाइट को डिलीट मत करो जब तक पैसेंजर पैसे नहीं दे रहा है, उसके बाद ही डिलीट करो. वैसे भी हम सेव नहीं करने वाले इसको. तो XE जो है पुरानी फ्लाइट हमारे पास है 2nd नंबर पे, सो 2, और जो एक और पुरानी फ्लाइट है वो है HK 20 नवंबर की, तो कॉमा ये 4 पे है, 4, सो 2, 4 ये पुरानी है, इसको हम हटा रहे हैं. तो ये हमने हटा दिया, इट सेस सेगमेंट डिलीट कर रहा है. नाउ अब हमारे पास जो है ये नई वाली फ्लाइट्स आ गई. नाउ वी हैव दिस न्यू फ्लाइट्स, दिल्ली टू लंदन हीथ्रो, लंदन हीथ्रो टू दिल्ली. पुरानी फ्लाइट्स हम हटा चुके हैं. टिकट नंबर हमारा लाइन नंबर 7 पे है, अगर आप देखोगे तो ये रहा. FHE में इसलिए आ गया क्योंकि हमने पुरानी जो फ्लाइट है उनको डिलीट कर दिया, TST डिलीट हो चुका है, लेकिन अभी सेव नहीं किया है. पैसे नहीं देगा पैसेंजर,
प्लीज ये मिस्टेक मत करना. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ एरर्स कमिंग बिकॉज ऑफ दिस. बहुत सारे लोगों के हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी थी इन वन ऑफ द कंपनी जहां पर बहुत एरर आ रहे थे इम्प्लॉयज़ के, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा हर बार जैसे ही वो चेंज करते थे तो पुरानी फ्लाइट्स को डिलीट करके नई फ्लाइट्स उठाते थे. और पैसेंजर अगर मना कर देता था कि नहीं मुझे चेंज नहीं करना, तो वहाँ पर क्या होता था कि आप हर बार जब आप PNR खोलते हैं आपको रिमार्क्स डालने पड़ते हैं, तो वो सीधा रिमार्क डालना शुरू कर देते थे और वो भूल जाते थे कि आपने पुरानी जो फ्लाइट्स हैं उनको हटा दिया है. और जैसे ही आप ये करते हो हमारे को बहुत ज़्यादा जो है ADM तो खैर इसमें नहीं आएगा, लेकिन इसके अंदर हम उसे एयरलाइन जो है वो बोलेगी अगर आपको सेम फ्लाइट्स चाहिए तो आपको दोबारा से पैसे देने पड़ेंगे, हमको दोबारा चेंजेस करना पड़ेगा और जो फेयर डिफरेंस होगा वो भी पे करना पड़ेगा. तो बहुत ही जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत बात करनी पड़ती है उनसे एयरलाइन वालों से और कई बार वो बिल्कुल नहीं मानते. तो इसीलिए प्लीज़ मेक श्योर कि आप सेव तब तक ना करो जब तक पैसेंजर पैसे नहीं दे रहा, गलती से भी ना करो. नाउ लेट्स रन दिस कमांड FXO. ये हमने पिछली वीडियो में भी किया था, हम वही रन कर रहे हैं /S 2.3, मतलब ये नई फ्लाइट्स हैं या वो फ्लाइट्स हैं जो पैसेंजर को ट्रैवल करनी है. और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं /T और टिकट जहां पर है वो लाइन नंबर, सो T7. सो FXO /S23/T7 जैसे कि पिछली वीडियो में किया था वैसे ही किया है, इसलिए हम लोग इसमें बहुत फास्ट गए हैं. अभी तक एंटर करते हैं, आपके सामने FXO कमांड आ गई. ये आप देख सकते हैं कि पुराना बेस फेयर नया बेस फेयर दोनों बराबर है, तो जीरो फेयर डिफरेंस. पुराने टैक्सेस नए टैक्सेस बराबर हैं, दिस इज न्यू टैक्स ओल्ड टैक्स, और ये जो है डिफरेंस इज ज़ीरो, टैक्स बैलेंस इज ज़ीरो. लेकिन पेनल्टी ज़रूर होनी चाहिए बिकॉज जो है ये कोई इतनी हाई क्लास भी नहीं है कि वो लोग फ्री में करेंगे. सो अगर आप देखोगे, हाँ पेनल्टीज जो है हमारी वो है 7526 टोटल एड कलेक्ट, और इतना जो एड कलेक्ट है ये हमें पैसेंजर से लेना होगा अगर पैसेंजर चाहता है कि हम इस फ्लाइट को चेंज करें. सो बिकॉज देर इज़ नो फेयर डिफरेंस, होता तो हम वो भी ऐड कर लेते. अब क्या करना है हमें, पैसेंजर इज़ ओके, यहाँ से हमारा रीइश्यूएंस का प्रोसेस शुरू होता है. RF यहाँ से हम इसको सेव कर देते हैं और ER कर देते हैं टू मेक श्योर दैट वी हैव सेव्ड दिस. जैसे ही आपने ये सेव किया आप देखेंगे कि ये FO ये एक लाइन आ गई आपके पास FO, इसका मतलब नया वाला फेयर जो है वो सेव हो चुका है. नया वाला जो हमने टोटल एड कलेक्ट जो हम कहते हैं जो हमने फ्लाइट को नई बुक करी है, ये जो 15 और 25 वाली है FXO चलाने के बाद, दैट हैज़ बीन बुक्ड. अभी अच्छा एक और चीज़, अगर किसी को इसके बाद FXO कमांड चलानी होती है, लेट से कई बार ऐसा होता है कि एक बार FXO चलाया और उसके बाद उनको लगा यार एक बार फिर से चला के देख लेता हूँ, एक शायद मैंने वो चीज़ नहीं देखी, तो आप ध्यान रखना कि जो FXO आप चला रहे थे पहले जो टिकट नंबर 7 पे था, और ये बहुत सारे लोगों को होता है कि वो बोलते हैं पहली बार तो चल गई थी दूसरी बार FXO कमांड नहीं चली हमारी. देखो जब आपने यहाँ पर FXO चलाई थी पहली बार, यहाँ पर FXO टिकट नंबर आप देखोगे 7T7 था, क्योंकि टिकट नंबर जो है 7 पे था यहाँ पे. जैसे ही हम दोबारा मतलब जैसे हमने इसको सेव किया FXO को, आप देखोगे कि टिकट नंबर एक लेवल नीचे आ जाएगा, मतलब एक नंबर नीचे आ जाएगा, अब 8 नंबर पे टिकट नंबर आ जाएगा. सो ये चीज़ ध्यान रखना, जैसे ही आप FXO चलाते हो टिकट नंबर जो होता है उसका लाइन नंबर एक नीचे आ जाता है, तो आप बार बार FXO को रिकॉल करके चलाओगे तो वो नहीं चलेगा, आपको टिकट नंबर चेंज करना पड़ेगा. आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू, इसका अभी रीइश्यूएंस से कोई मतलब नहीं है. रीइश्यूएंस के लिए हमने क्या किया, हमने जो भी FXO चलाया उसके बाद उसको सेव कर दिया, RF अपना नाम डाला, ER किया, सेव हो गया. अब नेक्स्ट थिंग, अगली चीज़ क्या करनी है हमें, यहाँ से हम लोग टिकट को रीइश्यू करेंगे. अभी तक हमने प्राइस सेव किया, अब रीइशू करेंगे. रीइशू का मतलब आप यहाँ करोगे TTP जैसा हमने इशुएंस में किया था, बिल्कुल वही. लेकिन TTP से पहले एक बार देख लेते हैं कि क्या हमारा नया TQT बन चुका है. TQT मतलब क्या हमारा नया फेयर सेव हो चुका है. आप देखोगे यहाँ पर हमारा नया फेयर जो है नई डेट्स आ चुकी हैं 15 और 25 जो हमने चूज़ करी थी, और इसका फॉर्म ऑफ पेमेंट INV हमारा पुराना ही है, और यस एवरीथिंग इज सॉर्टेड, नई डेट्स हमारी आ चुकी है यहाँ पे. सो अभी इसका मतलब टोटल जो कलेक्ट करना है और वो जीरो है क्योंकि डिफरेंस इसमें था नहीं. नाउ लेट्स गो अहेड, पेनल्टीज के तो पैसे हम उनसे ले ही लेंगे, अलग से चार्ज करते हैं. नाउ वी हैव दिस, लेट्स इशू द टिकट. सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, TTP/ET/RT/, ये तो हमारी इशुएंस वाली हो गई, जो हमने
TST देखी है अभी नई वाली, वो TST नंबर 2 है। ये देखो TQT क्या था, तो उसमें जो TST खुली वो नंबर 2 की है। तो जो भी यहाँ लिखा होता है जनरली 2 ही लिखा होता है। अगर 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आकर के आपको यही डालना है कि T2, एंटर, और इंतज़ार, और इंतज़ार सफल हुआ। आपके सामने ये लिखा हुआ आ गया, ओके ई टिकट। हटी किया, आपके सामने जो है इसको IR कर देते हैं एक बार, इग्नोर एंड रिट्रीव, मतलब रिफ्रेश कर दिया इसको। और आपके सामने जो है आप देखोगे लाइन नंबर 8 पे एक नया और फ्रेश टिकट आ गया। पुरानी टिकट क्या थी, ये इसके आगे 16 लिखा हुआ था, यहाँ पर नई टिकट के अंदर 917 है, ब्रिटिश एयरवेज की टिकट है। ओपन करके देखते हैं, पहले पुरानी ओपन करते हैं जो ये आपकी ये थी नंबर 9 पे। सो TWD/L9 का मतलब यहाँ पर जो 9 नंबर पे टिकट है उसको ओपन करते हैं। आप देखोगे ये टिकट एक्सचेंज पे आ गई है, जो 12 नवंबर को निकल के 20 नवंबर को वापस आ रही थी। एक्सचेंज का मतलब अगर आपको याद है जब हमने टिकट इश्यूएंस वाला टॉपिक किया था, तो एक्सचेंज जो है वो तब आता है जब आप नई टिकट इशू करते हो, तो पुरानी टिकट ई स्टेटस में आ जाती है, इसीलिए इस प्रोसेस को एक्सचेंज कहते हैं। और नई वाला जो टिकट है वो देखते हैं, वो है ऊपर वाला, ये इसको हम ओपन करते हैं TWD/L, लाइन नंबर है 8, एंटर किया, आपके सामने ओपन आ गई ये टिकट, और हमारा काम जो है वो रीइश्यूएंस का कंप्लीट हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो ये था फाइनली रीइश्यूएंस का प्रोसेस, जब हम ऑटोमेटिकली टिकट को चेंज करते हैं और उसको रीइश्यू करते हैं। आई होप आपको जो है समझाने में मैंने जो है कुछ गलती ना करी हो, आई होप आपको समझ आ गया हो, कोई चीज़ ज़्यादा मुश्किल ना लगी हो। अगर लगी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, विल ट्राई एंड हेल्प यू विद द आंसर्स। एल्स दिस इज रीइश्यूएंस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो उसका मतलब है कि आप बहुत ही सीरियस हैं Amadeus को लेकर के और अपने करियर, ट्रैवल करियर को लेकर के। आई होप दिस रियली हेल्प्स यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।